खुशामदीद। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी जो वीडियो सीरीज हम फिलहाल चल रही है वर्डप्रेस की। तो लास्ट टाइम वीडियो में हमने क्या किया था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके बाद एसएसएल भी इंस्टॉल कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस फॉलो नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है ना हम करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास इस तरह का फ्रंट पेज पे होगा, तो बैक एंड डैशबोर्ड आप किस तरह व्यू कर सकते हैं। तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो उसको आपने कैसे एक्सेस करना है, आपने स्लैश करना है अपना एक डोमेन /wp-admin। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह, सो इस तरह आपने यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम है वो डालना है और पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है ना, इसको आपने डैशबोर्ड को क्लीन कैसे करना है, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, चीज़ें डिस्टर्ब सी लग रही हैं डैशबोर्ड पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर आना है सी ऑप्शन पे और यहाँ से सब कुछ अनचेक कर देना, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। अगर जो भी चीज़ देखनी होगी ये साइड बार जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका, इसको कहते हैं wp-admin डैशबोर्ड एरिया, ठीक है। तो उसमें जो है ये पोस्ट एरिया है, यहाँ पे जो भी आप कंटेंट डालेंगे, जो भी आपकी जो पोस्ट होगी, आर्टिकल्स वगैरह होंगे, वो इधर शो होंगे, ठीक है। इधर से आप अपना जो है कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, जो आर्टिकल वगैरह लिखना होगा तो आप इधर सिंपली राइट करोगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारे पास ये गुटेनबर्ग का है। अगर आपको इस तरह का इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है तो इसके लिए हम एक और जो क्लासिक वर्जन है उसमें जा सकते हैं वापस। तो क्लासिक वर्जन में जाने के लिए हमने बैक डैशबोर्ड पे जाते हैं और एक प्लगइन है वो इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, सिंपली यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करता हूँ और ये देखें पॉपुलर जो फीचर में ये क्लासिक प्लगइन है, क्लासिक एडिटर। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर इसको बाद इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो ओल्ड क्लासिक व्यू है ना 2021 से पहले वाला जो क्लासिक व्यू है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। देखें यहाँ पे पोस्ट टाइटल आ जाएगा, टेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे अपना जो है कंटेंट वगैरह कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं ये हमारा अगला टॉपिक है, किस तरह आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली अगर पब्लिश करोगे तो ये पोस्ट इधर होम पेज पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, टेस्ट मुझे नहीं चाहिए। फिर हमारे पास है जी कैटेगरी सेक्शन। कैटेगरीज में जो है तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये मैं ब्लॉग ऐड कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली लिख कर और इंटर करूँगा या ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टैग्स सेक्शन। ये टैग्स जो है कंटेंट के बॉटम पे शो हो रहे होते हैं, इस ये भी एज अ कैटेगरी के तौर पर काम करते हैं। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट के टेस्ट टैग लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने ऐड न्यू पे कर दिया टैग्स। आगे मीडिया सेक्शन में आपके जो भी क्या कहते हैं मीडिया से रिलेटेड होगा ना चीज़ें, लाइक इमेजेस
और वीडियोस डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी सारा कुछ होगा ना वो इधर शो हो रहा होगा। करंटली मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पेजेस सेक्शन जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टम पेजेस जो है अपने वो डिज़ाइन करेंगे और होम पेज भी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, वो आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिर यहाँ पे उसके बाद कमेंट सेक्शन है। कमेंट्स में जो भी कंटेंट के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं आपके, ठीक है, तो वो कमेंट्स इधर आप उनको क्या कहते हैं मैनेज कर सकते हो। फिर थीम सेक्शन है। थीम्स में ओनली एक थीम आपके पास एक्टिव होना चाहिए जो भी होगा, बाकी जो इनएक्टिव थीम है उनको बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर आप रिमूव कर दें, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका जो है वो अननेसेसरी थीम फाइल्स लोड नहीं होती। इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो ये प्लगइन्स एरिया है, यहाँ पे भी आपने जो अननेसेसरी प्लगइन्स है उनको एक तो डिलीट करना है और जो अपडेट्स आई होंगी प्लगइन की उनको आपने अपडेट कर देना। तो मैं ये सिंपली इनको डीएक्टिवेट करूँगा पहले और यहाँ से फिर वन बाय वन रिमूव कर देंगे क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक न्यू करके कोई भी न्यू प्लगइन ऐड कर सकते हैं, जो भी होगा वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे मजीद प्लगइन्स के बारे में। यूजर्स एरिया में जो भी आपके एडमिन होगा, ये करंटली एक एडमिन है, अगर आपने न्यू मल्टीपल एडमिन्स और यूजर्स बनाने हैं वो बना सकते हैं, यहाँ से उनका रोल डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या सब्सक्राइबर जो भी है, बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करंट अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहें उसमें सिर्फ जो है आपका यूज़र नेम नहीं चेंज होगा, बाकी ईमेल चेंज कर सकते हैं, निक नेम जो है डिस्प्ले करने के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो आप अपडेट करके पासवर्ड भी अपना न्यू सेट कर सकते हैं। टूल्स एरिया में जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड टूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। सेटिंग्स में आपने क्या कहते हैं देख लेना है कि ये आपका जो वर्डप्रेस का यूआरएल है ये इसमें HTTPS जो है मस्ट होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने SSL इंस्टॉल किया था, तो ये अगर नहीं है तो यहाँ से आपने सिंपली S लगा के इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, SSL इसका एक्टिवेट हो जाएगा, तो मस्ट इंस्टॉल करना है। यहाँ से आप उसका मेम्बरशिप जो है वो ऑन कर सकते हैं, कोई भी आपके यूज़र अपनी जो साइट पे एक्टिव हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर ही रहने देगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है राइटिंग जो है आपका क्या कहते हैं अपनी वर्डप्रेस में जो राइटिंग्स होती हैं लिंक्स वगैरह की और इस तरह की मेल सर्वर, ये सारी चीज़ें आपने इनको भी एक्सप्लोर कर लेना है। रीडिंग एरिया में अगर आपका कोई भी आपने कस्टम पेज डिज़ाइन किया तो यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करके और यहाँ से वो चूज कर लेना है तो वो होम पेज आपका कस्टम सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी भी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे। डिस्कशन एरिया में जाके आपने ये चीज़ें जो भी आपके रिक्वायर्ड होंगी तो वो चेक कर लेनी, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दें। और मेन चीज़ जो है ये इधर से आपने क्या कहते हैं कोई भी ग्रेविटार चूज़ कर लेना है इंस्टेड ऑफ दिस बोरिंग ग्रेविटार। तो ये देखिए ये चेंज हो गया जिस ईमेल में ये ग्रेविट, बेसिकली तो ये ईमेल से ही फैच हो जाता है। अगेन ये मीडिया सेक्शन है। परमालिंक जो मेन चीज़ है यहाँ से जो इमेज का साइज बाय डिफॉल्ट ये वर्डप्रेस की सेटिंग्स है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें अगर आपकी कोई दूसरी नीड्स नहीं है। तो परमालिंक्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने पोस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ये ऐसे कर लेना, सिंपल पोस्ट नेम कर लेना है, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हैं अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपने कैटेगरी को रिप्लेस कर देना है टॉपिक से और टैग्स को भी आप या टैग कर दें या इस तरह का कोई और कस्टम आप नेम लिख के इसको सेव करेंगे तो आपका जो परमालिंक का स्ट्रक्चर है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसको कैसे देखना है, मैं जो पोस्ट है इसको व्यू करता हूँ तो देखें ये डोमेन नेम स्लैश जो लिंक है पोस्ट का नेम वही आ गया सिंपली, ठीक है।
प्राइवेसी पॉलिसी में जाके आप अपनी जो वेबसाइट के प्राइवेसी का जो पेज है उसको सेट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू ओवरऑल जो डैशबोर्ड का है, ठीक है। बाकी कमिंग वीडियोस में हम मजीद इसको इनको एक्सप्लोर करेंगे मोर डिटेल्स में, हर सेक्शन में। स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे थीम, कोई थीम इंस्टॉल करके उसके फंक्शन वगैरह को सेटिंग करना, मेन्यू किस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है, और जो है अपना मजीद चीज़ें कैसे सेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।